हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन बन चुका है, जो कि दोस्तों अब ये इसको प्राइवेट कंपनियाँ डेवलप कर रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हबीबगंज है, जो कि यहाँ पे पीछे मॉल बन रहा है। तो आगे भी चलिए मैं दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे दोस्तों मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन आया हूँ। मैं जा रहा था इंदौर, जो कि कुछ काम है इसके लिए। गाइज हम आए हैं इंदौर, मैं और मेरा एक फ्रेंड। तो चल दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए आज मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं रूम लेके एडजस्ट हो गया हूँ, जो कि दोस्तों सुबह सुबह आया तो बेटर फील नहीं हो रहा था। ये कह रहा था कि हम ऊपर पहुँच जाएंगे, मैं उसे बोला आराम से बेटा ऊपर नहीं पहुँचेगा, मैं हूँ ना तेरे को, चल रूम लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, रूम ले लिए हैं। और आपको इंदौर की रेटिंग देंगे, क्योंकि हमारा काम है हर सिटी में घूमना और लोगों को दिखाना और बताना कि आप इस सिटी में घूम सकते हैं, आप क्या घूमने लायक चीजें हैं, और वो डिजर्व करते हैं जो लोग कहते हैं। हमारा काम है ये। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए पंडित के ब्लॉग से। तो गाइस एंजॉय करेंगे मस्त एकदम फुल्ली। तो बार पास बताओ कि आप इंदौर आके कैसा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है कि नहीं? तो शुरू करते हैं, बता दो गलत आपने या नहीं देखी तो आज हमको देखो, क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा परेशान है, हमारा ना मनोबल टूट चुका है, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो पूर्ण नहीं हो पा रहा, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमको ये लग रहा है हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस भोपाल जाना पड़ेगा, और हमारे पंडित जी को साथ में भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारी दाल कर रही है ना इनकी दाल कर रही है। आए थे हम जिस काम से वो काम के तौर पर, तो फिर आप समझ सकते हो आगे जैसे। तो चलिए आज आप सभी को दिखा देते हैं इंदौर की थोड़ी सी खूबसूरती। हम बस आपको नंबर है, हम बस आपको से घुमा सकते हैं, क्योंकि हम तो घूम गए हैं, हमको इतना कला घुमाया गया है ना कि हम तो आप लोगों से घुमा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ब्लॉग में बने रहिए, नहीं अच्छा लगे क्या है का? क्या है ना?